नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, उपचुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। बुरहानपुर जिले के नेफानगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को लिखित इस्तीफा भेज दिया है। एक सप्ताह के अंदर कांग्रेस के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। दरअसल राजस्थान में सियासी संग्राम अभी नहीं थमा है। इधर एमपी में कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी के बाद नेफानगर से विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि सुमित्रा ने किस वजह से इस्तीफा दिया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुमित्रा देवी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पिछले ही सप्ताह कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। बीजेपी में शामिल होने के 6 घंटे बाद ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। प्रद्युम्न सिंह लोधी को राज्य खाद्य आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि लंबे सियासी घमासान के बाद एमपी के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपने 22 समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और सूबे में शिवराज सिंह चौहान की चौथी बार ताजपोशी हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश में पहले से 2 सीट खाली थी। उसके बाद तय था कि एमपी में 24 सीट पर उपचुनाव होंगे। एक सप्ताह के अंदर 2 और विधायकों के इस्तीफे के बाद एमपी में 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि कांग्रेस के कई और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों एक बीजेपी नेता ने दावा किया था कि 10 के करीब कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके बाद कमलनाथ ने भोपाल बुलाकर कुछ विधायकों से मुलाकात भी की थी। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से जो सियासी उठापटक शुरू हो गई है, ये कांग्रेस के आगे एक बड़ी मुश्किल जरूर पैदा करने वाली है। उधर सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर कांग्रेस के आलाकमान की कार्रवाई के बाद पार्टी में घमासान मच गया है। पार्टी में इस्तीफे की छड़ी लग गई है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने इस्तीफा दे दिया है। अभिमन्यु के साथ युवक कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय छात्र संघ और सेवा दल में अलग अलग पदों पर रहे लगभग 400 से 500 सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। पाली जिला से कांग्रेस प्रमुख चुन्नी लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से इन दिनों संकट में घिरी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।